आज जब मैं सवेरे उठा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं सोच रहा था कि देखो, किसी भी वीलॉग को एंड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी शुरुआत कैसे होती। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। आज क्या करने वाले हो? ओके, मैं कहाँ खड़ा हूँ, एक्चुअली ये हमारे घर का बर्थडे का ऑनर है, जिसका भी बर्थडे होता है हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये सारा कुछ मैंने ही सजाया वगैरह है, जो सजाने वजह काम किया था मैं ही करता हूँ, दिमाग बहुत है मेरे पास। नहीं, ऐसा मजाक कर रहा था मैं, सभी लोग हेल्प करते हैं इसमें और सभी लोग साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं। एक्चुअली आज सुबह से ना मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैंने फर्स्ट टाइम मैं सोचा कि आज मैं मोटो ब्लॉगिंग ट्राई करूँगा। सारा कुछ सेटअप वगैरह तो ठीक ही ठाक था, मेरे पास सेटअप भी है और जुगाड़ वाला सेटअप है, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। पर क्या हुआ ना कि कैमरा का एंगल मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई गोप्रो वगैरह नहीं है, तो मैं सोचा अपने आईफोन से शूट करूंगा। वीडियो क्वालिटी तो अच्छी ही थी, बट क्या हुआ कैमरा का एंगल ऐसा था कि मतलब सिर्फ छोड़ो, अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकते। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट भी लिया और सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। पता नहीं आज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझसे ही कुछ गलती हो रही है। देखो मेरा ये सब में कुछ आइडिया है नहीं, बट सीख लेंगे, सीखने के बाद करेंगे। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। एक आपको पता है कि धनतेरस है, दिवाली है, घर में साफ सफाई हो रही है। मैं भी सुबह से साफ सफाई कर रहा था, हाथ वगैरह बहुत ही ज़्यादा दुखने लगे हैं अब। बट स्टिल हमें इस साल तो मतलब क्रैकर्स हम लोग नहीं जला सकते और दिवाली हर बार नहीं आती है, तो हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं जो मेरे पिछले ब्लॉग में मैं जिस एग्जीबिशन में गया था और वहाँ से हमने क्या क्या एक्चुअली खरीदा हुआ है, मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के आइटम्स हमने क्या क्या खरीदा हुआ है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोल दूंगा, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कुछ ऐसे ही बहुत सारी ज्ञान की बातें भी आज हम लोग शेयर करेंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। और चलिए अभी फिलहाल ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सो ओके, अभी आप देख सक रहे हो कैमरा मैंने हाथ में पकड़ लिया है और लेंस भी थोड़ा चेंज किया हुआ है। आप पता नहीं आपको वीडियो में पता चल रहा होगा या नहीं पता चल रहा होगा। सो आगे अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने अभी बोला, हम लोग देखेंगे कि मैंने क्या क्या मिट्टी की चीज़ें खरीदे हैं और उसे हम लोग साफ़ भी करें। देखो मिट्टी की चीज़ों को आपको पहले पानी में साफ़ करना पड़ता है, तब जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग भी वही करने वाले हैं। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह मैं ट्राई करूंगा आपके लिए। आज जब मैं सवेरे उठा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं सोच रहा था कि देखो, किसी भी वीलॉग को एंड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर स्टार्टिंग आपके कुछ सेकेंड्स अच्छे हैं ना तो लोग आपके वीडियोज़ को आगे भी देखेंगे। बट मैंने तो अभी तक वो इंट्रो वगैरह स्टार्ट किया नहीं, मुझे पता नहीं कि मतलब मैं क्या बोलूँगा मेरे व्लॉग के स्टार्टिंग वगैरह में। मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं तुम भी उसी तरह से बोल दो, बट वो कॉपी हो जाएगा और हमें कभी भी किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि देखो बहुत सारे लोग अपने कंटेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर उनका कॉन्टेंट चल रहा है तो आप उनसे इंस्पायर होकर मोटिवेट होकर कुछ वैसा बना सकते हो। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्हीं का कंटेंट उठा के आप कॉपी कर दिए, या फिर उनका अगर कोई डायलॉग है, अगर कोई मतलब फेवरेट टैगलाइन है, डायलॉग है, तो आप अपने वीडियो में उस चीज़ का माइलेज लेने के लिए आप उसको अपने वीडियो में कॉपी और पेस्ट कर डालिए, अच्छा बात नहीं है। सो हमें हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, उनसे सीखना चाहिए। हाँ, आप कॉपी क्या कर सकते हो, उनका बोलने का अंदाज थोड़ा मोड़ा कॉपी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं बस उसी का डुप्लीकेट आप भी बना रहे हैं, बस लोकेशन चेंज है, ऐसा करना सही नहीं है। अच्छा, मुझे हैबिट नहीं एक्चुअली व्लॉगिंग का, तो थोड़ा देर कैमरा पकड़ता हूँ, मेरा हाथ दुखने लगता है। सो लेट्स सी, अभी हम लोग चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह मैं लेने का ट्राई करूँगा, देखता हूँ कैसे वो आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे अपने व्लॉग स्टार्टिंग वगैरह, अगर आपके पास अगर आप अपने फेवरेट डायलॉग अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे यूज़ करूँ अपने व्लॉग में, कॉपी तो नहीं, मैं आपसे बोरो करूँगा कुछ टाइम के लिए, सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं।
अच्छा एक चीज़ मैं क्या महसूस कर रहा था कि इस साल दिवाली में एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी क्रैकर्स फोड़ने से मना किया हुआ है, सो सारे बच्चे लोग थोड़े दुखी होंगे क्योंकि देखो बच्चों का मेन एक्साइटमेंट होता है फटाके। अच्छा इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें क्या पता रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन अभी क्या कर रहा है? और वैसे एक चीज़ हमें ये बात पे गौर करना चाहिए, एज ए सिटीजन हमें तो पॉल्यूशन की चिंता होनी चाहिए, बट क्या 365 डेज में सिर्फ एक ही दिन हमें पॉल्यूशन की चिंता होती है और बाकी 364 डेज गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, ट्रेजर्स है, गवर्नमेंट के खजाने भरे हुए रहते हैं, सो पॉल्यूशन से रिलेटेड अभी तक हमारे कंट्री में ऐसा कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों नहीं है ताकि बार बार हमें दिवाली में सफ़र ना करना पड़े। देखो ये दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सारे जो पर्व है इंडिया में, लोग इनका इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऐसे ही डायरेक्ट इन चीज़ों पर अगर हम लोग बैन लगा देंगे तो इसका मतलब ये डायरेक्ट हमारे कल्चर पर ही बैन लगा दिया जाता है। हर साल दिवाली में वही होता है, एक दिन के लिए बैन लग जाता है। इसका मतलब क्या, जिस दिन दिवाली पे बैन लग जाता है तो क्या नेक्स्ट डे से सारा पॉल्यूशन ठीक हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। सो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए वो किस तरह का फैसला ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में हर एक चीज़ अब पॉलिटिसाइज होते जा रहा है। गवर्नमेंट अगर कुछ सोच के करती है तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है या नहीं, चलो मैं उन सभी चीज़ों टॉपिक पे नहीं जाना चाहूँगा। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब था कि इस साल दिवाली हमें बस लाइट्स और दिए से ही मनाने वाले हैं हम लोग। तो लाइट्स में भी देखो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सब लोग बोलते हैं चाइनीज़ लाइट्स नहीं लेने, और ऑफ कोर्स वो तो नहीं लेने चाहिए, हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को जितना हो सके बैन करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्या इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? और एज ए अगर आम कंज्यूमर अगर मैं देखूंगा, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पे लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं भी मिल रहे हैं। क्योंकि देखो अगर बिजनेसमैन के व्यू से हम लोग देखेंगे, अगर किसी व्यापारी को अगर चाइनीज़ लाइट में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन बच रहा है तो ऑफकोर्स वो वही बेचेगा, लोग ऐसे ही करते हैं। बट फिर भी एज ए सिटीजन हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसी तरह से ही मैंने भी सोचा है कि ये दिवाली भी हम लोग दिए और लाइट्स के साथ ही मनाएंगे, तो मैंने भी एक लाइट मंगाया हुआ है। चलिए मैं आपको वो लाइट दिखाता हूँ। अगर आप भी वो लाइट ऑर्डर करना चाहते हैं, वो कोई ऑनलाइन तो मुझे मिला नहीं, ऑफलाइन ही मैंने मंगा हुआ एक फ्रेंड से। अगर आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह वहाँ पे डाल दूँगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड लाइट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए मैं आपको वो लाइट दिखाता हूँ, वो लाइट्स कैसे हैं। ओके अभी 4 बज चुके हैं, तो और मेरा एक ऑफिस का मीटिंग है, सो मुझे व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो जाते जाते अगेन मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश करता हूँ। आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से दिवाली मनाएं, एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। एंड अगर आप किसी अलग तरीका से अगर अपना लाइटिंग या फिर दिया वगैरह का डेकोरेशन अगर आप कर रहे हैं सो ज़रूर मुझे टैग कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड सो फिर से एक बार हैप्पी दिवाली आप सभी को, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मलाल रहेगा थोड़ा सा, आज मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, बट अगेन ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कभी और कर लेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मैं आपसे मिलूँगा मेरे किसी दूसरे व्लॉग में। थैंक यू। आज हम लोग करने वाले हैं अपना पहला मोटो व्लॉग। पहला इसलिए हो गया क्योंकि इससे पहले जो मैंने मोटो व्लॉग किया वो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। पता नहीं ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, हमें
अच्छा, एक चीज़ मैं क्या महसूस कर रहा था कि इस साल दिवाली में एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी क्रैकर्स फोड़ने से मना किया हुआ है। सो सारे बच्चे लोग थोड़े दुखी होंगे, क्योंकि देखो बच्चों का मेन एक्साइटमेंट होता है पटाखे। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें क्या पता रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन अभी क्या कर रहा है? और वैसे एक चीज़ हमें ये बात पे गौर करना चाहिए, एज ए सिटीजन हमें तो पॉल्यूशन की चिंता होनी चाहिए, बट क्या 365 डेज में सिर्फ एक ही दिन हमें पॉल्यूशन की चिंता होती है और बाकी 364 डेज गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, ट्रेजर्स है, गवर्नमेंट के खजाने भरे हुए रहते हैं। सो पॉल्यूशन से रिलेटेड अभी तक हमारे कंट्री में ऐसा कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों नहीं है ताकि बार बार हमें दिवाली में सफ़र ना करना पड़े? देखो, ये दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सारे जो पर्व है इंडिया में, लोग इनका इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे ही डायरेक्ट इन चीज़ों पर अगर हम लोग बैन लगा देंगे तो इसका मतलब ये डायरेक्ट हमारे कल्चर पर ही बैन लगा दिया जाता है। हर साल दिवाली में वही होता है, एक दिन के लिए बैन लग जाता है। इसका मतलब क्या, जिस दिन दिवाली पे बैन लग जाता है तो क्या नेक्स्ट डे से सारा पॉल्यूशन ठीक हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। सो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए वो किस तरह का फैसला ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में हर एक चीज़ अब पॉलिटिसाइज होते जा रहा है। गवर्नमेंट अगर कुछ सोच के करती है तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है या नहीं? चलो, मैं उन सभी चीज़ों टॉपिक पे नहीं जाना चाहूँगा। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब था कि इस साल दिवाली हमें बस लाइट्स और दिए से ही मतलब मनाने वाले हैं हम लोग। तो लाइट्स में भी देखो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सब लोग बोलते हैं चाइनीज़ लाइट्स नहीं लेने, और ऑफ कोर्स वो तो नहीं लेने चाहिए, हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को जितना हो सके बैन करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्या इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? और एज ए अगर आम कंज्यूमर अगर मैं देखूंगा, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पे लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं भी मिल रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर बिजनेसमैन के व्यू से हम लोग देखेंगे, अगर किसी व्यापारी को अगर चाइनीज लाइट में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन बच रहा है तो ऑफकोर्स वो वही बेचेगा, लोग ऐसे ही करते हैं। बट फिर भी एज ए सिटीजन हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसी तरह से ही मैंने भी सोचा है कि ये दिवाली भी हम लोग दिए और लाइट्स के साथ ही मनाएंगे। तो मैंने भी एक लाइट मंगाया हुआ है, चलिए मैं आपको वो लाइट दिखाता हूँ। अगर आप भी वो लाइट ऑर्डर करना चाहते हैं, वो कोई ऑनलाइन तो मुझे मिला नहीं, ऑफलाइन ही मैंने मंगाया हुआ एक फ्रेंड से। अगर आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह वहाँ पे डाल दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड लाइट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, चलिए मैं आपको वो लाइट्स दिखाता हूँ वो लाइट्स कैसे हैं।